इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, बता दें आपको कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में होने वाला जनसभा को परमिशन कैंसिल कर दी गई है। जी आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मैदान बारसोई कटिहार में 14 मार्च के दिन यानी कि कल होने ही वाला था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जनसभा, लेकिन अचानक से परमिशन कैंसिल कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। क्या वजह रही परमिशन कैंसिल करने की, आइए सुनते हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस परमिशन के कैंसिल हो जाने की वजह से। और आपको बता दें कि लगभग पूरी तैयारी हो चुकी थी बलरामपुर, जहां ये PWD मैदान में होने वाला था ये जनसभा, वहां लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी, उसके बाद अचानक से परमिशन कैंसिल कर दिया गया। बलरामपुर कटिहार के मेरे सभी मजलिस के साथियों और आमजनों, आपको ये खबर देते हुए बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूं कि कल 14 मार्च बरोज सनिचर PWD मैदान बारसुई में जो इजलास होना था, जनचेतना रैली होनी थी, उसको कोरोना वायरस की वजह से बिहार सरकार की हिदायत के मुताबिक SDO बारसुई ने उस पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये प्रोग्राम मुलतवी करनी पड़ रही है। और यकीनन है कि इस वक्त बैन अवी सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेहत के ताल्लुक से हर जगह हिफाजती इकदाम किए गए हैं और बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी और स्कूल तक को 21 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी करनी पड़ रही है। आप तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने अहबाब और दोस्तों को इसकी खबर पहुंचा दें कि कल होने वाला जो प्रोग्राम था, इजलास था, जनचेतना रैली होने वाली थी, वो मुलतवी कर दी गई है। आइंदा अभी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से बात हुई है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि हालात के नॉर्मल होते ही मैं सबसे पहला प्रोग्राम जाकर वहां पर बारसुई में करूंगा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि दूसरी बार हमारा प्रोग्राम तय होगा, उसकी इत्तला आपको दी जाएगी और बड़े तस्को इंतजाम के साथ प्रोग्राम होगा। आप लोगों ने तैयारी कर ली थी और आपको न आने की खबर देते हुए तकलीफ हो रही है, माजरत फरमाइए, क्षमा कीजिए। नाचिज अख्तरुल ईमान, सदर के माजी बिहार।